नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, हम और कहीं नहीं है, यही बनमनखी में है और बनमनखी विधानसभा प्रहलाद नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महर्षि महिदास का जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है और खास करके धीमेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाजार समिति और बाजार परिषद कहाँ खो गया है पता नहीं है। कारण ये है, हम बोलते हैं कि परदेसी बहुत बोलता है, बनमनखी में आके न्यूज बना देता है, ऐसा काहे कर रहे हैं। हाई हेलुजन देखिए, हायर हेलुजन चुपचाप बैठा है क्या साल से, वो भी हम आपको बता देते हैं। जब लगी थी तो एक साल भाकभुक करके जला था, उसके बाद जो गुम हुआ है, बंद हुआ है, आज तक देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के विधायक मौन, यहाँ बाजार परिषद के सारे कर्मचारी मौन, और यहाँ के राष्ट्रपति महोदय जो भी आते हैं ध्यान नहीं देते। एसडीओ साहब के बारे में बात कर रहे हैं हम, उनको भी ध्यान नहीं है। यहाँ के कोई कार्यकर्ता, कोई अफसरान नहीं है जो इस पे ध्यान दे सके। हम अभी बस स्टैंड में हैं, यहाँ के जनता से जानते हैं कि बल्बा काहे नहीं जलता है, हाई सोलरवा काहे नहीं जलता है। अच्छा जी सर, सबसे पहले आपका परिचय चाहिए आपको। हमारा परिचय यहीं बनमनखी में घर है, बस स्टैंड में ही। हाँ, क्या नाम हुआ? विजय सिंह नाम है जी। आप ये बताइए, हाई हेलोजनवा नहीं जल रहा है इतना दिन से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो कहियो जलवे नहीं किया तो इसको हम क्या कहेंगे? जलवे नहीं किया आज तक नहीं जला। अच्छा अच्छा, इसका मुख्य रूप से क्या कारण हो सकता है बाजार समिति, और किसके ऊपर एलिगेशन आप लगाते हैं? प्रतिनिधि समझे, एलिगेशन किसके ऊपर लगाया जाए? यहाँ का नगर पंचायत के ऊपर लगाया जाए, या अधिकारी पे लगाया जाए, कि सरकार पे लगाया जाए, ये सब हम लोग आम जनता किस पे एलिगेशन लगा सकते हैं? ये तो सरकार को खुद सोचनी चाहिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट किए तो जलना चाहिए। जनता का पैसा जा रहा है तो कम से कम जलना चाहिए। बीच चौक चौराहा पर इतनी चोरी चमारी होती है, हाईवे है ये रोड, हाँ बाजार भी जाती है ये रास्ता, तो हेलोजन लाइट लगाने का कारण है कि जलना चाहिए कि बंद पड़ा रहना चाहिए? ये तो सरकार को खुद और अधिकारी को और नगर पंचायत को खुद सोचना चाहिए। हाँ जी जी, हाँ ये हम लोग उन लोगों को क्या दिशा निर्देश कर सकते हैं? यही दिशा निर्देश कर सकते हैं कि माननीय परिषद महोदय, माननीय सरकार, कम से कम हेलोजन लाइट जलना चाहिए। बनमनखी में चार जगह है जी, हृदय नगर चौक वो भी चौराहा है जी, मेन मुख्य मार्केट नेहरू चौक बनमनखी, ये भी मुख्य जगह पे लगा हुआ है, बनमनखी बस स्टैंड में है जी, और उस पार में लगा हुआ है ना, प्रकाश मेडिकल हॉल के सामने में, ठीक है। बोले तो चार गो हेलोजन, चार हेलोजन लाइट, चारों गुल है, चारों टेंशन फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दे कि यहाँ की जनता किस तरीके से आकर्षित है हाई नहीं जलने के क्रम में। कारण ये है कि हाई टकवा तो पब्लिक वे का ना लगा है, आई नहीं जलेगा तो पब्लिक इस बार, चूंकि हाई वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी होने वाला है, फरियाना लेगा कि कौन काम कराएगा और क्यों नहीं जल रहा है। तभी हम पूछते हैं, इधर आइए हो, क्या नाम हुआ? सचिन कुमार यादव। हाई नहीं जल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में यही बोलेंगे, सब नेता सब घुसखोर है, क्या कह रहे हैं, सब खा लेता है। अच्छा, तब ये नहीं जल रहा है इतना दिन से, यानी बोले तो घुसखोरे हैं सब। बा बा बा, हाँ। भाई कब से ये लाइट नहीं जल रहा है? अच्छा, ये जब से ये लाइट लगा है तब से कितना दिन जला था? चार पाँच साल जला, उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद दो मरते मिस्त्री आया बना के गया, फिर भी वही लेकिन जला ही नहीं। मतलब आप कब से यहाँ पर हैं? हमको यहाँ पहले तो हम उस साइड थे, हाँ यहाँ पर हमको आए हुए हो गया दो तीन साल। तीन साल, उससे पहले उस साइड थे? पश्चिम साइड थे, पश्चिम साइड थे। तब से आपका ये चश्मा दिखा नहीं कि लाइट जला है? लेके खड़े है बाबा, का नाम हुआ? पूरन दास। अच्छा पूरन जी, बताइए, हाँ। चार जगह बनमनखी में लगा, हाँ। कोनो नहीं जल रहा, हाँ। ना आता है, पहले लाइए। अच्छा, बनमनखी बस स्टैंड से एमएस परदेसी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।